सड़क पर फंसे डंपर ने नगरपालिका प्रशासन के भ्रष्टाचार की खोली पोल। खरगोन में आरटीओ ऑफिस के सामने एक रेत से भरा डंपर रोड पर अचानक जमीन में धंस गया, जिसकी चपेट में एक युवक और युवती आने से बचे हैं। प्राप्त जानकारी से पता चला है कि रेत से भरा डंपर आरटीओ ऑफिस के सामने से गुजर रहा था। अचानक उसके पहिए जमीन में इतने धंस गए कि वाहन की बॉडी तक जमीन से जा टिकी। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए प्रत्यक्षदर्शी प्रशांत पटेल ने बताया कि नगरपालिका महकमे ने जल आवर्धन योजना के तहत सारे शहर के रोड खोद दिए, वहीं रिपेयरिंग के नाम लीपापोती करके शासन के पैसों का दुरुपयोग किया है। प्रशांत पटेल ने उक्त घटना के लिए नगरपालिका प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए यह भी बताया कि हादसे में अगर कोई जन हानि होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मैं इसमें यह कहना चाहूँगा, ये सबसे बड़ी मूर्खता जो दिखा रही है नगरपालिका दिखा रही है, क्योंकि नगरपालिका जो है पूरी कमीशन में चल रही है और जगह जगह पूरे खरगोन में जहाँ देखो वहाँ जल आवर्धन योजना के अंतर्गत जो है सड़कें खोदी जा रही है और सड़कों को लिपापोती की जा रही है। सिर्फ थोड़ा सा बंडा डाल के, गिट्टी डाल के और थोड़ी सी गिट्टी का मटेरियल डाल के वो लिपापोती की जा रही है। इस कारण कुछ जनहानि हो गई। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर रेत का एक डंपर फंस चुका है, वो उसकी बॉडी तक यानी फंस चुकी है जमीन में। आज जो है इससे एक जो है एक लड़का और एक लड़की मरते हुए बच्चे हैं, तो क्या नगर पालिका क्या मौत का तांडव देखना चाहती है? अगर देखना चाहती है तो नगर पालिका के अधिकारी खुद ऐसे तांडवों में शामिल हो तो उनको मालूम पड़ेगा कि उनके परिवार के साथ कितनी बड़ी घटना होने के बाद में क्या गुजरती है एक परिवार के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।